पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ बीएड प्रोग्राम रेगुलर एंड कॉरेस्पॉन्डेंस दोनों का सिलेबस है। सिलेबस में गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी और पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से डिफरेंस है। फर्स्ट डिफरेंस है इंटरनल असेसमेंट का, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी और पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला 30% इंटरनल असेसमेंट रख रही हैं, जबकि पंजाब यूनिवर्सिटी जो है वो 20%, ये 10 मार्क्स है ना 50 में से, 20% इंटरनल असेसमेंट रख रही है। दूसरा के 100 वाले क्वेश्चन सॉरी पेपर जो नहीं मिलेंगे, जो पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला और पंजाब गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर में मिलते हैं। यहाँ पर मेन डिफरेंस है, मेन डिफरेंस, और मैं मोस्ट लॉजिकल नंबर वन पर निकाल रहा हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को, लेकिन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जो स्टूडेंट है, क्योंकि उनको थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, आपको नहीं अच्छा लगेगा। कारण क्या है, जो डिफरेंस क्या है कि 50 का जो आपका थ्योरी पेपर होना है, 50 का थ्योरी पेपर होने में आपके 40 जो बचे थ्योरी पेपर को TH लिख दिया यहाँ पर थ्योरी पेपर, और 10 मार्क्स का हो गई इंटरनल असेसमेंट ये वाली। ओके, तो ये 40 के लिए आपको फाइट कितना करना पड़ेगा, 3 घंटे 3 आवर्स ही होगा। मतलब के कंटेंट के मार्क्स देखने में कम है, लेकिन लेबर 3 घंटे वाली करनी पड़ेगी, और डिवीजन भी 8-8 है, 4 यूनिट हैं, 4 यूनिट में से, चलो आगे चल के बता देते हैं, स्कीम बाद में डिस्कस कर लेंगे, वैसे है सिंपल यहाँ पर जाके कर लेते हैं। जैसे है यूनिट ये लिख दिया यहाँ 1, 2, 3, 4 और 5 है ना, तो ये 4 यूनिट में से 2-2 क्वेश्चन आने हैं और 8 मार्क्स का होगा, है ना, 2 क्वेश्चन आ गए, 1 करना है, 8 मार्क्स का होगा। ये 2 क्वेश्चन किए 8 मार्क्स का होगा, 2 क्वेश्चन किए 8 मार्क्स का होगा, ये हो गए टोटल मिला के 32, है ना। तो ये जो पांचवा है ये सभी यूनिट में से होगा, है ना, यूनिट 1, 2, 3, 4 में सभी में से होगा, और फिफ्थ जो है 2-2 मार्क्स का, इसको कहेंगे 4 क्वेश्चन × 2 मार्क्स 8 मार्क्स के हो गए, और ये टोटल 40 मार्क्स का आपका होगा और 3 आवर्स का होगा। ठीक, 3 आवर्स का होगा, तो दिस इज गुड, इसमें आप एंगेज रहते हो। तो नेचुरली एंगेजमेंट का क्या मतलब है, आप इन्वॉल्व होते हो, पढ़ते हो, लर्निंग, जैसे मैं बात की थी परफॉर्मेंस गोल और लर्निंग गोल, मास्टरी गोल, यहाँ मास्टरी गोल के आप करीब रहते हो, क्योंकि TET में इसका आपको फायदा रहेगा, बीएड करते हुए आप बेशक ऐसे रहोगे, तो ये बात मैंने ऐसे ही समझा दी है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। EPC एनहांसिंग प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी, नेचुरली कॉम्पिटेंसी स्किल्स के लिए प्रैक्टिकल होंगे, एक्सटर्नल प्रैक्टिकल विल बी 20 मार्क्स बेस्ड ऑन, ओके, तो 5 मार्क्स की इंटरनल असेसमेंट होगी। बाकी इंटरनल असेसमेंट किस पर बेस होती है ना, जो अच्छे कॉलेज हैं ऐसे करेंगे, अदरवाइज चाचा मामा ताया जो है जहाँ जिस अपने नंबर एडमिशन बनाने के लिए उन कॉलेज में एक्स्ट्रा अटेंडेंस जो मार्क्स लगा दिए जाते हैं, जो करप्ट सिस्टम है इंडिया का नॉर्मली एक्सेप्टेड। हाँ, तो ये है कैंडिडेट इन टर्म, अच्छे कॉलेज की बात कर रहा हूँ, पेपर हाउस टेस्ट यार जरूर देना, ये मैं ना बाद में बात करता हूँ कि ये हाउस टेस्ट जरूर देना। क्लास असाइनमेंट है, अटेंडेंस है, पार्टिसिपेशन इन डिस्कशन है, सेमिनार ट्यूटोरियल रिलेटेड टू प्रैक्टिकल, इसमें से बेस में आपको लगेगी इंटरनल असेसमेंट, फाइनल लिस्ट ऑफ इंटरनल असेसमेंट विल बी प्रिपेयर्ड बाय पैनल ऑफ 3 सीनियर टीचर एंड मॉडरेटेड बाय प्रिंसिपल, तो ये अच्छी बात है, ये गुड है। असेसमेंट ऑफ एंगेजमेंट विद प्री इंटर्नशिप आपकी लगेगी, चलो आगे चल के बात करते हैं, जिसमें आपको क्या क्या बनाना है फील्ड में से, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ हैं, कम्युनिटी रिलेटेड वर्क्स है, डायरीज हैं, स्टूडेंट पोर्टफोलियो, यार ये बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, इसमें TET में बड़े क्वेश्चन इसमें से, वेरी इंपॉर्टेंट, फील्ड ऑब्जर्वेशन है, तो विजिट टू इनोवेटिव पेडागोजी एंड लर्निंग सेंटर्स है, क्या बात है, अच्छा है करिकुलम, अगर प्रैक्टिकल हो पाता है तो एग्जीक्यूट हो पाता है, एजुकेशन रिसोर्स सेंटर, चलते हैं देखते हैं कि डिवीज़न क्या है। ये रहा पोर्टफोलियो, वो है कि आपने जो भी काम किए हैं ना, अच्छे अच्छे असाइनमेंट ये वो प्रोजेक्ट बनाए हैं, उसके सैंपल को इकट्ठा करके इवेल्युएट करना है, इसको पोर्टफोलियो बोलते हैं, बाद में पढ़ेंगे। तो ये SEM 1 का है, बड़ा ही प्यारा, ये रहा आपका पंजाबी यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में, मैंने DAV कॉलेज ऑफ एजुकेशन होशियारपुर टीच किया है 2 साल, तो तीनों यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस है मेरे पास, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में पढ़ा भी, पढ़ाया भी हूँ,
और ये हो गया फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन, ये फिलोसफी, फिलोसफी होती क्या है, कुछ नहीं है, आइडियाज, आइडियाज, आइडियाज अबाउट व्हाट इज रियलिटी। मैं तो टीच करने लग पड़ा है ना, व्हाट इज नॉलेज के लिख देता हूँ, व्हाट आर वैल्यूज है ना, इसको बोलते हैं मेटाफिजिक्स, मेटाफिजिक्स, डरना नहीं है, बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसको बोलते हैं एपिस्टेमोलॉजी, एपिस्टे। अच्छा, जब प्याजे पढ़ेंगे है ना साइकोलॉजी की, वो भी नॉलेज में इंटरेस्ट था, फिलॉसफी में, ये करते करते चाइल्ड डेवलपमेंट का वो फादर बन गए। वैल्यूज, एक्सियोलॉजी, एक्सियोलॉजी, यूजीसी में नॉर्मल क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, तो ये पढ़ने होते हैं कि फिलॉसफी है क्या, फिलॉसफर कौन से आपको लगे होंगे, फॉर एग्जांपल विवेकानंद, टैगोर जी, महात्मा गांधी, इनमें से है ना जो फिलॉसफर लगे होते हैं, उनकी एजुकेशन में इम्प्लीकेशन क्या है, क्या कंट्रीब्यूशन हो सकती है, आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, तीन फंडामेंटल फिलॉसफीज है, वेस्टर्न फिलॉसफीज हैं, तो उनको समझना वेरी इंटरेस्टिंग है। फ्रॉबल मेंटसरी, उनमें से क्वेश्चन टीईटी में से आ जाते हैं, बाकी इसके अलावा फिलॉसफी का टीईटी में कोई योगदान नहीं रहेगा, सिर्फ वो एजुकेशनिस्ट जो हैं फ्रॉबल और मेंटसरी, दैट इज व्हाई लीस्ट कंट्रीब्यूटिंग फॉर टीईटी। ओके, नेक्स्ट है, इसलिए बता रहा हूँ कि आप पेपर को ऐसे प्रेफरेंस दे सकते हो, फॉर एग्जांपल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रेफरेंस ज़्यादा दी जा सकती है, क्योंकि सीडीपी सारा यहीं से शुरू होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पहला टॉपिक ही हमारा ये होगा, सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, स्टेट टेट हो या सेंटर टेट हो, आपने ये पढ़ना ही पढ़ना है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से ये सारा कुछ शुरू हुआ, 100% ये कंट्रीब्यूट करेगा, 100% ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होगा आपके लिए है ना, दैट इज वाई इसको डीप में पढ़ सकते हैं। एक्सटर्नल मार्क्स इसके भी 40 हैं, बताने की जरूरत है, इंटरनल 10 है, टोटल 50 का है, 3 आवर्स के हैं, 3 ये थोड़ी है, 3 आवर्स है ना। टेक्निक्स ऑफ टीचिंग, ये टीईटी में कंट्रीब्यूट करेगा बिल्कुल, टेक्निक्स ऑफ टीचिंग, मेथड्स, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में है, इसमें आप मेथड्स ऑफ टीचिंग भी पढ़ोगे, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को पढ़ोगे, जो चलो मॉडल्स वगैरह हैं बाद में डिस्कस करते हैं, सिलेबस डिफरेंट में, यहाँ पर सिर्फ 40 मार्क्स का एक्सटर्नल थ्योरी पेपर है, 10 मार्क्स के इंटरनल असेसमेंट है, 50 का टोटल है। एजुकेशन एंड कंटेम्प्रेरी इंडिया सभी में है, नाम डिफरेंट डिफरेंट है, जो कंटेम्प्रेरी इंडिया, फॉर एग्जाम्पल न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, जो कमीशन मेन हुए हैं हमारी है ना, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं, मिड डे मील है, जहाँ प्रधानमंत्री जो योजनाएं हैं एजुकेशन के रिगार्डिंग, तो सर्व शिक्षा अभियान है, ऐसी जो स्कीम्स हैं जो हमने एंट्रेंस टेस्ट में भी पढ़ी हैं, तो वो यहाँ पर होगी, एंट्रेंस टेस्ट में सबसे ज़्यादा ये कंट्रीब्यूट करता है, तो यहाँ पर ये टीईटी में, ये टीईटी में ये थोड़ा सा कम टीईटी में करेगा, कंट्रीब्यूट कम करेगा रिलेटिवली। आईसीटी स्किल ये करेगा, आईसीटी स्किल करेगा, लेकिन पहला रैंक इसका है, दूसरा रैंक इसका है, फिर इन दोनों का तीसरा रैंक आप लगा लीजिए, टीईटी में कंट्रीब्यूट करेंगे। पेडागोजी, क्योंकि ये सीडीपीटी की पेडागोजी ही मेन है, पेडागोजी के में जो मेथड्स ऑफ टीचिंग आप पढ़ोगे, फॉर एग्जांपल आपने पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स की है, मैथ्स है ना, तो दूसरा आपकी साइंस है ना, तो मैथ साइंस में आप टीईटी में जो 15 क्वेश्चन होंगे वो पेडागोजी के होंगे, वो यहाँ से अगर पढ़ोगे अच्छी तरह से तो लर्न करोगे, लेकिन जो आपकी बुक्स होंगी वो सब्जेक्टिव टाइप के लिए है, बीएड में पास होने के लिए मार्क्स लेने के लिए है, वो टीईटी के लिए नहीं है, ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए नहीं है, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप्स है ना, वो कीज, की आइडियाज, की कंसेप्ट पर बेस्ड होते हैं, तो ये जो आपका है ये गप्पों पर लार्जली बेस्ड होता है, मोस्ट गप्पे होती है, बोल जो जो सबको नंबर लिखा हुआ मिल जाते हैं, बताऊंगा कैसे सबसे ज़्यादा मार्क्स कम पढ़ के या एवरेज पढ़ के कैसे ज़्यादा मार्क्स लेने हैं, इसकी चिंता नहीं लेनी, मैनेज करना है अपने आप को। कंटेम्प्रेरी इंडिया हो गया भाई, और आईसीटी स्किल डेवलपमेंट है ना, ये है, कंट्रीब्यूट ज़्यादा नहीं है, उनसे कम ही है, टीईटी में करेगा, इसके ऊपर फोकस कर सकते हैं। जब ये सिलेबस डिस्कस करूंगा तो साथ में बताऊंगा ये टीईटी में है, इसको जहां वही फोकस ज़्यादा मैं टीच करूंगा, आप प्रॉब्लम भी कह सकते हो कि आप प्रॉब्लम क्वेश्चन दो सर इसका आंसर कैसे देना है, या इसका आंसर नहीं मिलता, 10 ईयर में है, डिफ़िकल्ट है,
ऑड क्वेश्चन है, पेपर बाहर से आ गया है, आपकी यूनिवर्सिटी में मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं तो आप वो कह सकते हो, वो विद इन 1 or 2 days आपको मिल जाएगा। सो पेडागोजी हो गई, ये हो गया, ये पहले हो गया डिस्कस, सॉरी। टीचिंग थ्रू ड्रामा एंड म्यूजिक, ये ईपीसी आ गया, ये प्रैक्टिकल आ गया है ना, यहाँ पर थ्योरी खत्म हो गई है, ये थ्योरी थी। यहाँ पर यहाँ करके दोबारा बता दूँ कि थ्योरी कहाँ थी, इसको नीचे करता हूँ थोड़ा सा। ये रहे आपके फिलॉसफी से शुरू होके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है हर यूनिवर्सिटी में पेडागोजी में। तो ईपीसी में अब अपने ड्रामा मतलब प्रैक्टिकल करना है, टीचिंग थ्रू ड्रामा। देखो ये पेपर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया में, क्योंकि इंडिया में जो बीएड को ड्रामा बना दिया गया है, मतलब ड्रामे से टीच कैसे करना है, ड्रामा बन गया है। अब तो हाई कोर्ट ने कह दिया है कि एनसीटी क्यों नहीं इंटरफेयर कर रही, इतना बुरा हाल है पंजाब, नहीं सारे इंडिया में वैसा हाल है, क्योंकि हाई कोर्ट का मामला उन्होंने पंजाब में कहीं कहना कि वैसे ही मतलब दे रहे हैं डिग्रियां, बच्चे आ नहीं रहे, और असेसमेंट मतलब कॉपीज दे रहे हैं, देख के बना लो क्या, मतलब एक वीडियो निकालूंगा करप्शन इन एजुकेशन, टाइम लगा दो। हाँ सिंपल एक्सप्रेशनल, अच्छा ये ड्रामा स्किट ऐसे पार्टिसिपेट करना है, म्यूजिक में पार्टिसिपेट करना है, उसको टीचिंग से रिलेट करना है, टीचिंग से क्या कर सकते हो आप, ये देखो कि मैं कभी ड्रामा करता हूँ वैसे, सच में ये इंपॉर्टेंट है कि थोड़ी से कलाकार टीचर होना चाहिए, क्योंकि क्लासरूम टीचिंग इंटरेस्टिंग बन जाती है ना, तो ज़रूरी है। म्यूजिक कभी कभी तो मैं भी गा लेता हूँ, तुमसे मिलने को दिल करता है रे बाबा, ऐसे कोई भी गा लो यार, क्लास में भी गा सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है, एंटरटेनमेंट्स आ सकते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की एक रिसर्च बता रहा हूँ कि 7 जो करेक्टरिस्टिक्स बताए गए टीचर का, टीचर के कौन से करेक्टरिस्टिक्स पसंद करते हो आप, 7 बताए गए, उनमें से 8 मेरी बुक में है, वो जो आप जो टीचिंग ऑफ एसएसटी, पेडागोजी ऑफ एसएसटी वाली है ना बुक, उसमें टीचर वाला कंसेप्ट जब पढ़ोगे उसमें पॉइंट है। तो जो टॉप रैंक पर कौन सा करेक्टरिस्टिक्स उस सर्वे में पाया गया कि बच्चे टीचर का कौन सा नंबर 1 करेक्टरिस्टिक्स पसंद करते हैं, पता आपको? क्लासरूम टीचिंग इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग, बोर नहीं करना, हाय विज सर कहते होते थे, बड़े अच्छे टीचर एजुकेटर थे, बोर नहीं करना क्लास में, बोर नहीं करना है ना, ऑनलाइन थोड़ा करना पड़ता है तो इंटरेक्शन नहीं है ना, आप क्लासरूम में मेरे सामने हो गए ना तो 15 मिनट हम हंसेंगे, बातें करेंगे, क्या घूमेंगे फिरेंगे ऐस करेंगे और क्या क्लास में ही। अच्छा तो ये मतलब ये उसके लिए ज़रूरी है। मैं टीच करता हूँ, मैं मोबाइल में से गाना लगा लेता हूँ, चलो यार ये गाना, मैं फिल्म सबसे 29 फिल्म मैं अभी तक यूज़ कर चुका हूँ, फिल्म के सीन है ना, तारे ज़मीन पर से शुरू होके, 3 इडियट से शुरू होके, स्लम डॉग मिलियनियर, ये आपने देखना है कि ये फिल्म मेरे टॉपिक के लिए कैसी कंट्रीब्यूट करती है, यहाँ पर मैं टोटल दिखा नहीं सकता ना, दैट इज़ वाई। तो ये इंपॉर्टेंट है, सिंपल एक्सप्रेशनल, ये इसमें वो होगा आपका पेंटिंग, ड्राइंग के आस्पेक्ट जितने भी हैं आपने एक्सप्रेस करना है थ्रू जो है ये कौन फाइन आर्ट्स जो भी होता है, ये ड्राइंग मेन है ना, तो आपको कई प्रोजेक्ट ऐसे में बनाने पड़ेंगे। ये 20 मार्क्स का एक्सटर्नल होगा, ये भी 20 का है, और 5 मार्क्स की इंटरनल असेसमेंट होती है, बात हो चुकी है। पार्टिसिपेटिंग स्पोर्ट्स है, नहीं होगा, हाय मेरे रब्बा, ये भी सच तो बात ये है कि ईस्ट और वेस्ट, हेल्थ इज शुड बी बेस्ट, हेल्थ है तो आप हो, अदरवाइज किसी ने दुनिया में आपको पूछना नहीं है, है ना। तो मैं कहता होता हूँ हम क्या मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, आप अच्छे से अच्छा बेटा, अच्छे से अच्छा जो पार्टनर क्या कर देगा, कोई इमरजेंसी आती है आपको हॉस्पिटल में जमा करवा देंगे, फीस पे कर देंगे, लेकिन पेन तो आपकी हो रही है ना, वो नहीं कोई भी लिख सकता। दैट इज़ वाई केयर योर सेल्फ, हर डॉक्टर के पास चले जाओ तो वो आपको कहेगा मिनिमम 1 आवर यार सैर करो, नहीं तो एक्सरसाइज करो, क्यों, क्योंकि 1 आवर के बाद हार्मोन जो अच्छे हैं हार्मोन, है ना, जब हम CDP की तैयारी करेंगे ना उसमें मैं वो फिजिकल डेवलपमेंट पढ़ाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि हार्मोन कितने रिलीज हो, पॉजिटिव इमोशन से कितने रिलीज होते हैं। चलो वापस चलते हैं, तो ये ज़रूर यार ये नहीं कर सकते, योगा पर इंटरनेशनल रिसर्च इतनी हो चुकी है तो सभी ने साबित कर दिया यार हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो इसको लाइफ में अपनाओ, ये सिलेबस सच में अच्छा है। प्री इंटर्नशिप है कि आपको 2 जो वीक हैं उन स्कूल में जाना पड़ेगा, तो
कितने वीक भेजते हैं मुझे नहीं पता। तो एक टाइप का स्कूल रूरल है, एक अर्बन है, जहाँ एक सेंटर का है, स्टेट का है, जहाँ टाइप्स ऑफ स्कूल दिए होंगे, तो उसके मुताबिक दो आपको एक वीक एक में, एक में एक में, उसमें आपने स्कूल की फिलॉसफी है, विज़न है वो देखना है, टीचर को से बात करनी है, मॉर्निंग असेंबली अटेंड करनी है, ऐसे ऑब्जर्व करना है, लाइब्रेरी विजिट करनी है, ऐसे ये प्री एंड आप ओरिएंटेशन होगी के। तो ये टोटल बन गए 320, कम देखने में कम नहीं है, लेकिन ये घंटे तीन तीन घंटे ही बन रहे हैं। ओके, तो इंटरनल असेसमेंट 130 की है, 450 हो गए आपके टोटल। सेमेस्टर टू है, इस पर ज़्यादा जोर नहीं देंगे, क्योंकि हमारा मेन तो वही है ना कि फर्स्ट सेम पर हमने अभी जोर देना है। सोशियोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन, सोशियोलॉजिकल मीन सोसाइटी की कंट्रीब्यूशन है, फैमिली से शुरू होती है, सोशल इंटरेक्शन है, हम सोशल एनिमल हैं, इंटरेक्ट करते हैं, प्यार किया तो देन मतलब प्यार वगैरह रिश्ते बनाते हैं ना, ऐसे कभी कभी होता है, गुगलू मुगलू हो जाता है कईयों को, तो कोई बात नहीं, गुगलू मुगलू करना चाहिए, लेकिन गुगलू मुगलू करना चाहिए ना, गुगलू मुगलू नहीं छोड़ना, रिस्पेक्ट जो है ना बेस, लव का बेस जो है रिस्पेक्ट है। अच्छा, बेस ये है, और ये 40 का थ्योरी, 10 की इंटरनल, और ये हो गया 50 का अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर TET, जैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट था वैसे ही। अच्छा, इसका भी पार्ट है, ये भी TET के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज़्यादा ये है, इसको कम मत समझना, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट, टिक लगा दिए हैं। 40 का थ्योरी पेपर होगा, 10 की इंटरनल असेसमेंट, 50 का होगा टोटल असेसमेंट फॉर लर्निंग, ये भी TET में कंट्रीब्यूट करेगा, ऐसे ही टॉपिक है, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, फॉर को हम ऐसे टीच कर लेते हैं, फॉर से फॉर्मेटिव लर्निंग है ना, कन्फ्यूज करते हैं, ऑफ से ऑफ हो गई, सारा खत्म हो गया, समेटिव लर्निंग लास्ट में होती है जो है ना, ऐसे याद कर सकते हैं। असेसमेंट एज लर्निंग, एज जो रिफ्लेक्शन है, मेटाकॉग्निशन है, चलो ये बात में बात करेंगे, ये लर्निंग नहीं अभी शुरू हुई। 40, 10 एंड 50 सेम है, नॉलेज करिकुलम एंड अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन, डिसिप्लिन क्या है, जिसको आप सब्जेक्ट बोलते हैं, हाई लेवल पर यूनिवर्सिटी लेवल पर डिसिप्लिन कहते हैं, डिसिप्लिन और सब्जेक्ट में डिफरेंस है, ये बुक मैंने लिखी थी, पब्लिश नहीं की, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की थी, लेकिन इसमें कोई कंटेंट आपको चाहिए वो बता देना आप, है ना। 40, 10 एंड 50 टोटल अंडरस्टैंड, ये देगा थोड़ा सा करिकुलम वाला पार्ट ना, देगा आपको TET में थोड़ा सा, स्कूल मैनेजमेंट का थोड़ा सा पार्ट करेगा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। 40, 10 एंड 50 स्कूल मैनेजमेंट में है कि आपने स्कूल प्रिंसिपल का रोल, टीचर का रोल, स्कूल कैंपस कैसा होना चाहिए, अच्छा कैसे बनाना है, स्कूल कैंपस के डिफरेंट आस्पेक्ट क्या होते हैं, ऐसे है ना, मैनेजमेंट, स्कूल मैनेजमेंट क्या होती है, ये हो गया। पैडागोजी 1 और 2 जो पीछे पहले में पढ़ के आए थे, वही पैडागोजी यहाँ रहेगी, और उतने ही मार्क्स, 40 के थ्योरी मार्क्स और 10 का इंटरनल असेसमेंट, टोटल 50 हो गए। ये EPC एनहांसिंग प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी, इसको ज़्यादा नहीं एलेबोरेट करूँगा। वर्क एक्सपीरियंस प्रोग्राम है आपका 20 का, और 5 मार्क्स की इंटरनल असेसमेंट है। ICT प्रैक्टिकल, आप PPT वगैरह ऐसे बनाओगे ना, ICT कोई भी PPT जहाँ कोई और प्रैक्टिकल जो है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को क्लासरूम में कैसे यूज़ करना है, 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल और 5 की इंटरनल असेसमेंट। पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स एंड योगा, हाई रे बहुत अच्छे, आपको आसन ये वो सब कुछ कराएंगे, डीप ब्रीदिंग, ये मैं भी क्वेश्चन पूछ लेता हूँ वैसे, चलो छोड़ो अभी नहीं। तो इसमें ना एनर्जी सेंटर जरूर समझना, चक्रा आपको नहीं तो समझाऊंगा क्या इंपॉर्टेंस है स्पिरिचुअल लाइफ में, है इंपॉर्टेंस के नहीं, ये पृथ्वी जय जय पिंडे तय तय ब्रह्मंडे, ये आपके ऋग्वेदा में भी है और गुरु ग्रंथ साहब में भी है, बाकी सभी धर्मों में है, जो जो हमारे पिंड में है। जब आप वाणी सुनते हैं ना, यहाँ से जो शब्द पहला चलता है ना, जब दरबार साहब से सब किच कर में बाहर ना ही है ना, तो वो घर कौन सा है, वो समझ लो घर कौन सा है, वो घर ये वाला घर नहीं है, वो घर ना कोई धार्मिक स्थान है, वो घर परमात्मा ने दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है वो घर। ओके, ये समझना है उसको, आपकी लाइफ बेटर हो जाएगी। मेरी वैसे PhD मेडिटेशन पर ही है, तो इससे जितना मर्जी सीखो, जो मर्जी क्वेश्चन करो, अनंत क्वेश्चन करो, लाइफ के जवाब दूंगा। ओके, प्री इंटर्नशिप प्रोग्राम है ना, वैसे ही है, तो ये इंटरनल ही है, 25% मार्क्स का है टोटल, 345 बन गए हैं ये एक्सटर्नल के, और 105 इंटरनल असेसमेंट, 450 आपकी बन गई टोटल असेसमेंट।
अच्छा पैडागोजिकल सब्जेक्ट कौन से है वो आपको पता ही, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा इंटरनल असेस, ये सेमेस्टर थ्री आ गया, टोटली प्रैक्टिकल होगा, सभी यूनिवर्सिटी का है स्कूल इंटर्नशिप, मतलब टोटल आपने वहाँ, ये इन्होंने 16 वीक लिखा है, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू जिसने भी लिखा। तो इंटर्नशिप मीन होल डे आपको स्कूल में रहना है, और सभी एक्टिविटीज़ में, मॉर्निंग असेंबली से लेके एग्ज़ाम में, ड्यूटी में लेके, आपने जो इंटरनल जो असेसमेंट है, एक्टिविटी पार्टिसिपेशन है, एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करनी है, टीचिंग लर्निंग है, इवेल्युएशन है, है ना, कोई डे आ गया सेलिब्रेट करनी आपकी ड्यूटी लगेगी, ऐसे है ना। एक्सटर्नल 20 प्लस 20 है ना, 20 किसके, एक स्कूल सब्जेक्ट के, दूसरे स्कूल सब्जेक्ट के, किसने लगाने हैं, स्कूल के प्रिंसिपल ने या मेंटर ने आपके ने, तो टोटल मार्क्स ये 40 हो गए। स्किल इन टीचिंग प्रोग्राम, आपने क्लासरूम में, ये हो गया क्लासरूम, यहाँ पर ऐसे समझाता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पर इंटरेस्टिंग बनाने के लिए यहाँ पर जाते हैं, रंग भी बदल लेते हैं, ये हो गया। ये स्किल इन टीचिंग क्या होगा, यहाँ पर आपको खड़ा कर दिया जाएगा रूम में, ये आप खड़े हो गए, और ये आप बोर्ड दे दिया, यहाँ टेक्नोलॉजी प्रोजेक्टर, यहाँ प्रोजेक्ट पढ़ रहा है ऐसे वगैरह है ना, तो आप पढ़ा रहे हो यहाँ पर, नन्हे मुन्ने बच्चे को पढ़ा रहे हो आप यहाँ पर, पीछे है ना मेंटर बैठा हुआ है ऐसे बड़ा करके, डरना नहीं उनसे वो आपके साथी हैं, तो ये आप इनको पढ़ा रहे हो है ना, ये आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, और बाद में ये आपके मार्क्स लगाएंगे, वो मार्क्स किनमें से 100 में से लगाएंगे। तो एक डेमो आपका इंटरनल लेगा, ये स्किल इन टीचिंग वन जो है ना, जिसे डेमो वन कहते हैं, वो आपका टीचर एजुकेटर लेंगे, इंटरनल होगा, सेकंड वाला फिर इंटरनल होगा, टीचर एजुकेटर लेंगे, थर्ड जो होगा वो यूनिवर्सिटी वाले आएंगे, ये यूनिवर्सिटी वाले 2 पर्सन बैठेंगे, यहाँ 2 पर्सन बैठेंगे, वो आपको एवेल्युएट करेंगे, ये वो बताया गया है कि 100-100 मार्क्स के हैं, 30-30 आपका टीचर एजुकेटर सब्जेक्ट टीचर जो है, जैसे पैडागॉजी ऑफ मैथ्स है, पैडागॉजी ऑफ साइंस है, वो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, वो आपके इंटरनल असेसमेंट लगाएंगे है ना, उनसे बना के रखनी है। अच्छा बना के रखने की नहीं, रिस्पेक्ट उनको देनी है, खुद खुद आपके बन जाते हैं, आपको देते हैं टीचर, देंगे टीचर से बहुत कुछ लिया जा सकता है, एक्सपीरियंस है उनके पास। 260 है और 300 हो गए टोटल ये, और मेरे ख्याल में ये जल्दी जल्दी कर दें, अब ज़रूरत नहीं है, फोर्थ सेम की बाद में पढ़ लेंगे। जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, सेक्स एंड जेंडर में डिफरेंस, जो बायसनेस है जेंडर, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है, ऐसे रोल को है क्या है, जेंडर सेंसिटिविटी है, ऐसे टॉपिक पढ़ोगे आप, तो ये हो गया आपका 40, 10 एंड 50, मैंने नहीं बताना अब आपको पता है। गाइडेंस एंड काउंसलिंग, वेरी मतलब मैं खुद काउंसलर हूँ, अगर समझ जाओ तो ये लाइफ है ना। 40, 10 एंड 50, इंक्लूसिव एजुकेशन, इनमें से ये जितना भी सिलेबस है ये 100% आपको पे करेगा TET में, इंक्लूसिव एजुकेशन TET में पे करेगी 100%, अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ ये नहीं करेगी है ना, और रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट ये करेगा TET में कंट्रीब्यूट, आपके MCQ को TET में सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। ये इलेक्टिव ऑप्शन कौन सी है, आगे ऐसे करके जाना पड़ेगा, इसको बहुत लंबा हो गया होगा मेरे ख्याल में, बस करते हैं ये। पार्टिसिपेटिंग इन कम्युनिटी सर्विस कल्चरल एक्टिविटी, में ये ऑर्गेनाइज करता होता था, पूरा गद्दा बन जाता था, गद्दा बन के बस कर ही जाना काम सो ये पार्टिसिपेंट को, तो ये तो प्रैक्टिकल है, इंटरनल ही होगा 25 है। कम्युनिकेशन है, एम्प्लॉयबिलिटी एंड रिसोर्स डेवलपमेंट स्किल, ये होगा आपका एक्सटर्नल 20 मार्क का, प्रैक्टिकल है और इंटरनल असेसमेंट 5 होगी। टोटल फोर्थ सेम में 300 है, इंटरनल असेसमेंट 100 की है, 400 का जो होगा आपका फोर्थ सेम होगा। इलेक्टिव सब्जेक्ट जो अच्छे अच्छे स्टार ऐसे लगाए गए हैं उनको समझ लो, इन दोनों में से एक लेना है, ये है ना ऑप्शन 1 है ऑप्शन 2, ये वाले ये कौन से लेने हैं, ये इनमें से। डिस्टेंस एजुकेशन एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ये थ्योरी के हैं, इनमें से 2 ऑप्ट करने हैं, तो मैं TET के लिए बताऊंगा कौन से हेल्पफुल हो सकते हैं। मार्क्स के लिए तो मेरे ख्याल में हेल्थ एंड होता है, और डिस्टेंस ये भी थोड़ा सा हो सकता है, एनवायरमेंटल एजुकेशन मेरे ख्याल पंजाब यूनिवर्सिटी में ज़्यादा लेते हैं, स्कूल लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन ह्यूमन राइट्स, इसमें से आपको नहीं कोई कर रहा, ये थोड़ा बहुत कर सकता है ई एजुकेशन, सो इस न्यूट्रल रहिए, इसको TET के हिसाब से मत देखिए, छोड़ दीजिए, जो आपको ईजी और वो लगता है। इजी देखने के लिए आपको एक नुक्ता बताता हूँ, पिछले साल का पेपर देखो और देखो कि कितने परसेंट फेल किस में से हुए हैं, अगर गजट मिला तो वह मैं आपको बता भी दूंगा, मुझे कमेंट करके बताना, मैं याद करवाना, मैं कर दूंगा, तो रिजल्ट से आपको एनालिसिस करके बता दूंगा अगर मिला तो है ना।
तो इनमें से दो ऑप्ट करने अपने, दैट्स ऑल। आगे सिलेबस शुरू हो जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में सिलेबस की बात कर लेंगे। कोई क्वेश्चन हो जिंदगी का, जहाँ टीईटी का, जहाँ किसका, बीएड का, पूछ लेना।